दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुकेश नकुआ की ओर से किए गए मानहानि केस में राठी को पेश होने को कहा गया है। नकुआ का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहकर उनका अपमान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साकेत कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को राठी के नाम समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को की जाएगी। कोर्ट ने राठी को स्पीड पोस्ट, कुरियर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी समन भेजने को कहा है। नकुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए थे। मुंबई यूनिट के भाजपा प्रवक्ता नकुआ ने आरोप लगाया था कि राठी ने उन्हें हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल बताया है। उन्होंने आरोप का झूठा बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया। नकुआ की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी ने एक भड़काऊ वीडियो में उनको लेकर आधारहीन दावे किए, हिंसक और गाली गलौज वाली ट्रोलिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। नकुआ ने कहा कि राठी के इन आरोपों की वजह से उन्हें काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनके कई वीडियोस वायरल हो जाते हैं। ध्रुव राठी हाल ही के दिनों में कई बार विवादों में भी रह चुके हैं। कुछ लोग उन पर एक तरफा वीडियो बनाने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलने वाले बताते हुए उनका समर्थन करते हैं। YouTube पर उनके करीब 23 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक्स पर भी वो काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। ध्रुव की हर वीडियो लगभग काफ़ी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से ये मामले को काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।